तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि रेन सोकर उठता है और वह देखता है कि बेड के ऊपर टानिया और बाकी सब सो रहे होते हैं, जिन्हें देखकर वह बोलने लगता है, मैं आशा करता हूं कि इस जगह के और भी रूम्स जल्द ही खाली हो जाएंगे, जिसके बाद हम लोग यहाँ अच्छे से रहेंगे। अब दिखाया जाता है कि वह सभी लोग एक जगह पर बैठे नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी टानिया रेन से बोलती है कि क्यों ना अब वह अपने लिए कोई वेपन ले ही ले, क्योंकि अब वह पहले से भी ज्यादा पावरफुल बन चुका है और फ्यूचर में उसका सामना और भी ज्यादा पावरफुल अपोनेंट से होने वाला है, जिनसे फाइट करने के लिए उसके पास वेपन का होना जरूरी है। अब यह सुनकर रेन बोलता है, तुमने ठीक कहा, आरियोस का मिशन पूरा करने के बाद हमारे पास काफी पैसे हैं, तो फिर चलकर एक वेपन खरीदते हैं। अब वह सभी लोग उस टाउन के वेपन स्टोर की ओर जाने लगते हैं। वही रास्ते में इतने सारे इंसानों को देखकर रूना और सोरा काफी ज्यादा घबरा रही होती है। यह देखकर रेन बोलता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, इस दुनिया में सभी इंसान बुरे नहीं होते हैं। तभी उस जगह पर दो लोग आकर टानिया को ग्रीट करते हैं और इन दोनों को टानिया ने स्ट्रेट ब्रिज पर हराया था, जिसके बाद से ही यह दोनों टानिया के डिसाइपल बनना चाहते हैं और अब वह दोनों लगातार टानिया की तारीफ करने लगते हैं, जो सुनकर टानिया काफी खुश होती है। अब टानिया बोलती है, तुम लोग इस जगह पर स्ट्रांग हो, पर तुम्हें और भी मेहनत करने की जरूरत है, और एक बार जब तुम पावरफुल बन जाओ तब मैं तुमसे एक और बार फाइट करूंगी, जो सुनकर वह दोनों खुश हो जाते हैं। दूसरी ओर कनाडे एक शॉप लेडी की मदद करने लगती है। वहीं रूना और सोरा यह सब देख रही होती है और बोलती है कि टानिया और कनाडे इस जगह पर सच में बहुत फेमस है। तभी उस जगह पर कुछ बच्चे आ जाते हैं और रेन से बोलने लगते हैं कि रेन ने इस जगह पर अपनी टीम में और भी मेंबर्स को शामिल कर लिया है, जिसके बाद वह सोरा और रूना की तारीफ करते हुए उनसे बोलते हैं कि वह दोनों काफी खूबसूरत है, तो क्या वह कोई फ्लावर स्पिरिट है। यह सुनते ही सोरा शर्माने लगती है। वहीं दूसरी ओर रूना हंसते हुए बोलती है, तुमने अभी तक हमारी सुंदरता देखी ही कहाँ है, और वैसे भी हम कोई छोटे मोटे फ्लावर स्पिरिट नहीं, और यह बोलते हुए वह अपने पंखों को बाहर निकालने लगती है। यह देखते ही रेन और सोरा उसे पकड़कर उस जगह से दूर ले आते हैं। अब इससे रूना गुस्सा हो जाती है और बोलने लगती है कि आखिर तुमने मुझे रोका क्यों, वह लोग देखना चाहते थे कि मैं कितनी सुंदर हूँ। तभी सोरा उसे याद दिलाती है कि वह इस जगह पर अपनी आइडेंटिटी लोगों को नहीं बता सकते हैं, वरना वह प्रॉब्लम में आ जाएंगे। और अब वह लोग चलते चलते उस वेपन स्टोर तक पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वह सभी लोग उसके अंदर जाते हैं, जिस जगह पर एक ओल्ड मैन बैठा होता है। अब रेन उस ओल्ड मैन के पास जाकर बोलता है कि मैं यहाँ पर एक वेपन और आर्मर लेने के लिए आया हूँ। ओल्ड मैन बोलता है, तुम अपनी पसंद की चीज खुद चुन सकते हो। अब यह सुनते ही सभी लोग उस जगह पर मौजूद वेपन्स को देखने लगते हैं। तभी रूना एक हंटर को उठाते हुए बोलती है, रेन यह तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। तभी सोरा बोलती है, पर रेन को इसे कंट्रोल करने का एक्सपीरियंस नहीं है, तो वह इसका यूज नहीं कर पाएगा। उसी वक्त रूना बोलती है, पर एक बार सोचो, रेन इसे यूज करता हुआ कितना अच्छा लगेगा। अब यह सुनते ही सोरा इमेजिन करने लगती है और इस बारे में सोचकर वह बहुत शर्मा जाती है। तभी रूना बोलती है, सोरा तुम्हारा माइंड सच में बहुत डर्टी है। तभी रेन को उस जगह पर एक नाइफ मिलता है, जिसे देखकर वह बोलने लगता है, मैं यह लेना पसंद करूंगा। तभी टानिया बोलती है, तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं, तो तुम्हें कोई महंगा वेपन लेना चाहिए। अब सभी लोग उस नाइफ को देखते हैं और सभी को वह पसंद आता है, पर रेन को उस नाइफ में कुछ गड़बड़ लग रही होती है। उसी वक्त एक पर्सन उस शॉप के अंदर आता है और ओल्ड मैन से बोलता है कि उसके पास बहुत पैसे हैं, तो वह इस शॉप की सबसे पावरफुल स्वॉर्ड खरीदना चाहता है। अब उन पैसों को देखकर वह ओल्ड मैन मुस्कुराते हुए उस लड़के को एक स्वॉर्ड उठाकर दे देता है। उस लड़के को भी वह स्वॉर्ड काफी पसंद आती है और वह खुशी खुशी वहां से चला जाता है, पर रेन समझ जाता है कि उस स्वॉर्ड के अंदर भी कुछ गड़बड़ है। और अब वह ओल्ड मैन के पास जाकर उससे पूछता है कि अभी अभी आपने जो स्वॉर्ड बेची है, क्या वह आपकी बेस्ट स्वॉर्ड थी। यह सुनकर ओल्ड मैन बोलता है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। तभी रेन बोलता है, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि वह स्वॉर्ड बेकार थी, वह काफी बढ़िया और अच्छी स्वॉर्ड थी, पर मेरे ख्याल से कॉम्बैट बैटल में उस स्वॉर्ड का यूज करना सच में काफी ज्यादा मुश्किल होगा। और सिर्फ वही स्वॉर्ड नहीं, बल्कि इस दुकान में मौजूद सभी वेपन्स के अंदर कोई ना कोई कमी है।
तो क्या आप इस जगह पर कुछ छिपा रहे हो? यह सुनते ही वह ओल्ड मैन हंसते हुए बोलता है, बच्चे तुम समझ गए। इस दुकान में तुम्हें जितने भी वेपन्स दिख रहे हैं वह मैंने अपने फ्री टाइम में टाइम पास करने के लिए बनाया है। यह सुनते ही रूना बोलने लगती है, तो क्या तुम इस जगह पर सभी लोगों को धोखा दे रहे हो? तभी ओल्ड मैन बोलता है, सोच समझ कर बोलो, मैं एक फेमस वेपन्स में हूँ और मैंने आज तक के काफी पावरफुल वेपन्स बनाए हैं, पर इस जगह के लोगों को वेपन्स की कोई कदर नहीं है, इसीलिए मैं उन्हें अपने अच्छे वेपन्स नहीं देना चाहता हूँ। और अब वह अपने बनाए हुए कुछ रियल स्वॉर्ड उन लोगों को दिखाता है, जिन्हें देखते ही रेन के होश उड़ जाते हैं। अब रेन ओल्ड मैन से पूछता है, आपके पास इतने खतरनाक वेपन्स मौजूद है, पर फिर भी आप इन बेकार वेपन्स को क्यों बेचते हो? ओल्ड मैन बोलता है, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले कहा था, आजकल के लोगों की वेपन्स की कोई कदर नहीं। उनके पास जैसे ही ज्यादा पैसे आते हैं वह अपने पुराने वेपन्स को फेंक कर नया वेपन खरीदने के लिए आ जाते हैं, और इन वेपन्स को मैं अपनी मेहनत से बनाता हूँ, और मैं नहीं चाहता कि मेरे यह प्यारे वेपन्स किसी ऐसे इंसान के हाथ में जाए जो इनकी रिस्पेक्ट ही ना करे। अब यह सुनकर टानिया उस ओल्ड मैन की तारीफ करने लगती है, जिसके बाद वह ओल्ड मैन रेन से पूछता है कि आखिर रेन को यह कैसे पता चला कि इस दुकान में मौजूद सभी वेपन्स के अंदर कोई ना कोई कमी है। रेन बोलता है, मैं एक बीस्ट टेमर हूँ और मैं सभी चीजों को अच्छे से ऑब्जर्व करता हूँ, शायद से इसीलिए मैं इस बात को जान पाया। यह सुनते ही वह ओल्ड मैन बोलता है, तुम्हारे प्रोफेशन को देखकर मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम इस बात को समझ सकते हो। तभी टानिया और कनाडे बोलने लगती है, यह बस नाम का बीस्ट टेमर है, इसने कई बार इस जगह पर हमें भी सरप्राइज किया है, जो सुनकर सोरा और रूना को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी टानिया बोलती है, तुम दोनों जल्द ही समझ जाओगी। अब वह ओल्ड मैन रेन से काफी इम्प्रेस होता है और वह बोलता है कि वह रेन के लिए पर्सनल एक वेपन बनाएगा, जो सुनकर उस जगह पर सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। तभी ओल्ड मैन बोलता है, पर इस जगह पर एक प्रॉब्लम है, वह जिस मटेरियल से वेपन बनाना चाहता है वह मटेरियल अभी उसके पास नहीं है। अब दिखाया जाता है कि रेन अपने साथियों के साथ अपने गिल्ड हाउस में आया होता है। अब वह लोग उस जगह पर काफी भीड़ देखते हैं, जो देखकर कनाडे नाटाली के पास जाकर उससे पूछती है कि आखिर इस जगह पर क्या चल रहा है। नाटाली उसे बताती है कि हीरो आरियोस अभी हमारे टाउन में रुका हुआ है और वह अभी अपने टीम के अंदर और भी कई सारे लोगों को ऐड करना चाहता है, और इसी खबर को सुनकर यह सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड है, और अगर इनमें से कोई उसकी टीम में ऐड हो गया तो उसे फेम, पावर और पैसा तीनों ही चीज मिलेंगी। अब यह सब सुनकर रेन उदास होने लगता है। तभी उसकी नजर टानिया और कनाडे पर जाती है और उन्हें देखकर वह बोलता है कि तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिसके बाद वह एक मिशन लेकर नाटाली को दिखाते हुए बोलता है कि मैं इस मिशन को लेना चाहता हूँ, और वह मिशन स्पेशली रेन के नाम पर होता है। अब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वह वेपन स्मिथ रेन को बताता है कि वह वेपन्स बनाने के लिए मिथ्रिल नाम के एक मटेरियल का यूज करता है, और उसके पास इसकी एक पूरी खदान है जो उसके पूर्वजों द्वारा उसके लिए छोड़ी गई थी, पर पिछले कुछ दिनों से उस माइन के अंदर उसे वह मिथ्रिल नहीं मिल रहे हैं। वह अचानक ही उस माइन से गायब होने लगे हैं। यह सुनकर कनाडे को कुछ भी समझ में नहीं आता है, जिस पर टानिया उसे बताती है कि मिथ्रिल एक काफी रेयर मटेरियल है जिसके यूज से काफी पावरफुल वेपन्स बनाए जाते हैं, और मिथ्रिल के बने हुए वेपन्स काफी खतरनाक और मजबूत होते हैं। तभी रेन बोलता है, मेरे ख्याल से उस माइन के अंदर कुछ गड़बड़ है, तो क्या मैं आपके लिए आपके इस प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट कर सकता हूँ? अगर हम उस माइन को इन्वेस्टिगेट करें तो हमें पता चल जाएगा कि आखिर वह मिथ्रिल जा कहाँ रहा है। यह सुनकर ओल्ड मैन तैयार हो जाता है और बोलता है, यह करने के बदले तुम्हें कितना पैसा चाहिए? रेन बोलता है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं बस चाहता हूँ कि आप मेरे लिए वह वेपन बनाए। यह सुनते ही वह ओल्ड मैन काफी खुश हो जाता है और बोलता है, मैं तुम्हारे मुंह से यही सुनना चाहता था, क्योंकि आजकल के बच्चे पैसों के पीछे पागल हैं। वह सभी चीजों को छोड़कर पैसों के पीछे भागते हैं, पर तुमने इस जगह पर वेपन्स को इम्पोर्टेंस दी जो देखकर मैं काफी खुश हूँ। और अब वह एक लेटर लिखकर गिल्ड में रेन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजते हैं। अब दिखाया जाता है कि रेन अपने सभी साथियों के साथ उस माइन की ओर जा रहा होता है। वही वह माइन टाउन के काफी पास होती है, जिससे वह लोग काफी खुश होते हैं और बोल रहे होते हैं कि वह लोग उस जगह पर बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। तभी वह पीछे मुड़कर देखते हैं कि रूना और सोरा की हालत खराब होती है,
क्योंकि वह फेरीज है और फेरीज के अंदर फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है। अब उनकी हालत देखकर रेन बोलता है, तो फिर क्यों ना हम इस जगह पर थोड़ी देर आराम करें, जिसके बाद हम उस माइन की ओर जाएंगे। जो सुनकर सभी लोग तैयार हो जाते हैं। वहीं उस जगह पास में ही एक लेक मौजूद होती है, जिसे देखकर सभी लोग रेन से उसमें नहाने की परमिशन मांगने लगते हैं, जो सुनकर रेन तैयार हो जाता है। और अब टानिया और बाकी सब उस लेक में नहाने लगती है। वहीं रेन दूर जाकर एक जगह पर लेट जाता है और वह उस जगह पर कुछ स्क्विरल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके उनसे बोलता है कि अगर उन लोगों पर कोई खतरा आए तो मुझे जल्दी से बता देना। अब लेटे लेटे रेन को नींद आ जाती है। दूसरी ओर कनाडे और बाकी सब लेक के अंदर मजे कर रहे होते हैं, तभी रेन को कनाडे के चिल्लाने की आवाज आती है। अब वह सुनते ही रेन उठ जाता है, पर उस जगह पर मौजूद स्क्विरल्स ने कोई भी रिएक्ट नहीं किया होता है। यह देखकर रेन को कुछ भी समझ में नहीं आता है और वह तेजी से भागता हुआ लेक के पास पहुंचता है, जिस जगह पर वह देखता है कि एक मछली ने कनाडे के पूंछ में बाइट कर रखा होता है और इसी वजह से कनाडे चिल्ला रही होती है। अब रेन उन सभी को नहाते हुए देखकर काफी परेशान हो जाता है और उनसे माफी मांगने लगता है। अब दिखाया जाता है कि रेन को माफी मांगता हुआ देखकर वह चारों रेन को माफ कर देती है, क्योंकि रेन उस जगह पर कनाडे के लिए परेशान हो गया था और वह कनाडे को बचाने के लिए उस जगह पर आया था, जिसके बाद वह चारों माइन के पास पहुंचते हैं। अब रेन उन सभी को लेकर एक जगह पर छिप जाता है और बोलता है कि यह एक मशहूर माइन है और इस जगह से मिथरील गायब हो रहा है। इसका बस एक ही मतलब हो सकता है, इस माइन के अंदर चोर मौजूद है जो यहाँ मौजूद मिथरील को चुरा रहे हैं। कनाडे बोलती है, तो अब हमें क्या करना चाहिए, हम सीधा माइन के अंदर जाकर उन चोरों को पकड़ लेंगे। रेन बोलता है, नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हमें अपने दुश्मनों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तभी उस जगह पर आसमान में उड़ता हुआ एक ईगल चिल्लाने लगता है, जिसकी आवाज सुनकर उस माइन के अंदर से दो लोग बाहर आ जाते हैं और वहां पर रेन और बाकी सबको ढूंढने लगते हैं। पर टानिया और कनाडे उन दोनों को अपने एक ही पंच में बेहोश कर देती है, जो देखकर रेन परेशान हो जाता है। अब यह देखकर टानिया बोलने लगती है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं, यह दोनों आदमी काफी कमजोर थे। रेन बोलता है, अब यह दोनों बेहोश हो चुके हैं तो अब हमें इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तभी रूना और सोरा बोलती है कि वह अपने माइंड रीडिंग मैजिक का यूज करते हुए इनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जो सुनकर रेन काफी खुश होता है। जिसके बाद रूना और सोरा उन दोनों की माइंड रीडिंग करने लगती है और अब उन दोनों को पता चलता है कि इन लोगों का एक ग्रुप है जो माइन के अंदर मिथरील को चुरा रहा है और इनके ग्रुप में टोटल 7 बंदे हैं, जिनमें से 2 को उन्होंने बेहोश कर दिया है, तो अभी माइन के अंदर टोटल 5 लोग मौजूद हैं और वह सभी लोग एडवेंचरर्स हैं, तो इन लोगों को संभल कर रहना होगा। जो सुनकर रेन सब कुछ समझ जाता है। अब रेन बोलता है, तो तुम सभी लोग तैयार हो जाओ, हम माइन के अंदर जाने वाले हैं और तुम सभी लोगों को संभल कर रहने की जरूरत है, क्योंकि हमें हमारे दुश्मनों के पावर के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तभी टानिया बोलती है, वैसे इन लोगों को हमारे इस जगह पर होने के बारे में कैसे पता चला। रेन उन्हें बताता है कि वह लोग हम पर ऊपर से नजर रख रहे हैं, उस ईगल ने उन्हें हमारे बारे में बताया। इसका यह मतलब है कि उन लोगों के साथ भी एक पावरफुल बीस्ट टेमर मौजूद है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।